हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो हाल ही में भी दीपिका पादुकोण की डिलीवरी हुई है। तो उनकी प्रेगनेंसी में जब भी वो कहीं स्पॉट होती थी, कहीं भी वो पब्लिक प्लेस पर दिखाई देती थी, जब भी मीडियाज़ में उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आते थे, तो एक ही कमेंट जो मैंने देखा कि हर बार कॉमन होता था कि हाउ मच शी इज़ ग्लोइंग इन हर प्रेगनेंसी। उनके चेहरे पर जो एक ग्लो दिखाई देता था, एक शाइन दिखाई देती थी उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट, अलग ही से शाइनिंग चेहरे पे, एकदम से अलग सा ग्लो चेहरे पे, और जो एक मेकअप वाला फेस होता है वो अलग ही समझ में आता है, और एक जो नेचुरल ग्लो होता है वो अलग दिखाई देता है। और वैसे भी कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज़्यादा वो कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ नहीं करती, क्योंकि हर कॉस्मेटिक्स में केमिकल का यूज़ होता ही है। तो हर लेडी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूरी रहती है। तो वो जो नेचुरल ग्लो उनके चेहरे पे, नेचुरल साइन दिखाई देता है, तो उसको देख के हर कोई शॉक्ड होता था कि इतना ज़्यादा चेहरा प्रेगनेंसी के दौरान ग्लो करता था। तो उनके चेहरे को देख के, उनके वीडियोज़ को देख के मैंने भी प्रेडिक्शन लगाई थी कि होने वाला बच्चा होगा तो बेबी गर्ल ही होगी, और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई। अभी मैंने आज एक फ़ोटो देखी जिसमें रणवीर सिंह के साथ उन्होंने अपनी बेटी की फ़ोटो शूट कराया, तो उसमें फ़ोटो रिलीज़ हुई एक, तो उनकी बेबी गर्ल हुई है। तो मेरा प्रेडिक्शन 100% सही निकला। अब जब मैंने अपने वीडियो शेयर किए थे, अपनी प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताए थे, तो मेरे हर वीडियो आप उठा के देखोगे, ये एक कॉमन लक्षण मैंने बताया था कि जिनके भी बेबी गर्ल होने वाली होती है उनका चेहरा बहुत ज़्यादा शाइन करता है, शाइनी हो जाता है, ग्लोइंग हो जाता है। जबकि हो सकता है कि पहले इतना प्रेगनेंसी से पहले इतने स्किन उनकी ग्लोइंग ना रही हो, शाइनी क्लीन ग्लास स्किन ना रही हो, लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। जी हाँ, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। वहीं दूसरी तरफ जिनके बेबी बॉय होने वाला होता है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन वाली हो जाती है, स्किन में टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, डलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लैकिश सी स्किन हो जाती है, चेहरे से ज़्यादा गर्दन का एरिया ब्लैक हो जाता है। ये एक बेहद कॉमन लक्षण है जो मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक अपना वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दोनों बेबी बॉय के टाइम पर मेरे जो सिम्टम्स थे वो मैंने शेयर किए, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसमें एग्री किया था। तो ये एक सिम्टम मैंने उसमें इंक्लूड किया था कि मैं अपने कलर से बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा चेहरा डल था, कुछ भी यूज़ कर लो कोई चीज़ कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करती थी। तो ये एक बेहद खास लक्षण है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपको होने वाला बेबी क्या होगा, बेबी बॉय होगी या बेबी गर्ल होगा, तो जी हाँ, आप इसे एक लक्षण से समझ सकते हैं। देखिए, 90% वीमेंस में ये लक्षण से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है। 10% मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो मे भी कोई वुमेंस ऐसी भी हों जिनको बेबी बॉय के टाइम पर बहुत ज़्यादा उनका फेस ग्लोइंग हो जाए, वो अदर केस है। अदरवाइज 90% केस में बेबी बॉय के टाइम पे चेहरे पे डलनेस, टैनिंग, रिंकल्स, झाइयाँ, और चेहरा ब्लैक होना, गर्दन एकदम से ब्लैक हो जाना, हाथ पैर में टैनिंग बड़े बाद होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वहीं जस्ट अपोजिट बेबी गर्ल होने वाली होती तो बेबी गर्ल के केस में चेहरा और ज़्यादा शाइनी, ग्लोइंग, ग्लास स्किन हो जाता है। और ये सिर्फ मेरे ही केस में नहीं था, मेरे जो और भी रिलेटिव्स हैं, इवन मेरी सिस्टर, उनके तो एक बेबी बॉय भी और गर्ल भी है, तो उनके भी केस में मैंने देखा था, क्योंकि बेबी बॉय के टाइम पे उनकी भी हालत कुछ मेरे ही जैसी हो गई थी जैसे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे थी, बिल्कुल डलनेस चेहरे पे, टैनिंग एकदम, चेहरा बिल्कुल रियल चेहरे से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी बॉय होना था, और जब उनके गर्ल थी तो एकदम से चेहरा शाइनी और ग्लोइंग था। तो मैंने ऐसे कई अपने ही नियर डियर के केसेस देखे हैं। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं कि मैम एक ऐसा लक्षण बता दीजिए जिससे हम समझ जाएं, तो ये ही एक वो खास लक्षण है जिससे कि आप समझ सकते हैं। और दीपिका के केस में मेरी ये प्रेडिक्शन देखिए बिल्कुल 100% सही निकली, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, हमारे में तो ऐसा था, तो मैंने 10% में आपको ही रखा हुआ है कि 10% में हो सकता है कुछ लोग ऐसे आ जाएँ जिनको बेबी बॉय के टाइम पर उनकी स्किन शाइनी हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप फीमेल हैं, अगर आपके गर्भ में मेल है तो अपोजिट हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है मेल एंड फीमेल, तो इसलिए आपकी स्किन में टैन आएगा, ब्लैकिश हो जाएगी, डलनेस आएगी। वहीं अगर आपके गर्भ में फीमेल है तो डबल फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वजह से आपकी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी हो जाएगी। तो ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न होता है। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में कि बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, और मेरे तो दोनों बेबी बॉय के टाइम पे सेम सिम्टम्स है, तो मेरा जब सेकेंड मेरी प्रेगनेंसी जो लास्ट ईयर थी, और जब 4 अक्टूबर 2023 को मेरी डिलीवरी हुई थी पिछले ही साल, तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी सेकेंड प्रेगनेंसी में, मेरे सारे सिम्टम्स मेरे बेबी बॉय, फर्स्ट बेबी बॉय जैसे ही थे,
और ये भी एक खास लक्षण उसी में था, तो मैं तो अपनी डिलीवरी से पहले ही समझ गई थी कि बेबी बॉय होगा। तो कोई कहता था कि क्या होगा, देखो अब इस बार क्या होता है, हो सकता है बेबी गर्ल हो जाए, भाई बहन हो जाए, तो मैं कहती थी नहीं होगा तो इस बार भी बेबी बॉय है, क्योंकि मेरे जो लक्षण है वही मुझे बता रहे हैं कि बेबी बॉय ही होगा इस बार भी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आपको होने वाला बेबी क्या होगा, तो इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ऐसे खास लक्षण बताए हैं जो कि आपको कन्फर्म कर देंगे, श्योर कर देंगे कि आपका होने वाला बेबी क्या होगा। और वो बहुत मतलब एग्जैक्ट ऐसे लक्षण है जो बेबी बॉय होने की तरफ इशारा करते हैं। देखिए खान पान को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान तीखा पसंद होता है, तो वहीं कुछ लोगों को मीठा भी पसंद करते हैं, तो ये भी बेबी बॉय में हो सकता है। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी पसंद है तो कुछ लोग मीठा भी पसंद करते हैं, कुछ केसेस में ये भी पॉसिबल, ज़्यादातर तो वैसे तीखा ही पसंद करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मे भी मीठा भी हो सकता है। लेकिन जो लक्षण है, जो फिजिकल चेंजेस हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो एक तो ये लक्षण तो है ही जो मैंने प्रिडिक्शन की थी जो सच हुआ, तो मुझे लगा मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी अदर और अगर सिम्टम्स आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको भी वीडियो भी मिल जाएगा। हाँ, मैंने चाइनीज़ कैलेंडर वाला वीडियो भी शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर कॉमेंट करके पूछा था, तो वो भी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो चाइनीज़ कैलेंडर से भी पता चल जाता है। फिलहाल अगर आप सिम्टम्स से जानना चाहते हैं तो ये बेहद खास ऐसे एकदम क्लोज सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि होने वाला बेबी क्या होगा, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो छोटा सा वीडियो था, जानकारी मुझे लगी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मुझे लगा चलो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलेंगे नहीं खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।